नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं दाऊदपुर कोटा गांव में, जहां हम बात करेंगे प्रधान जी से गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं पकड़ी हुई हूँ आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही पकड़ लेता हूँ, आप छोड़ दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सलाम है, ग्राम सभा दाऊदपुर कोटा ब्लॉक जमात जनपद अलीगढ़ का मैं निवासी हूँ। मुझे सिर्फ विकास के नाम से ही इंशाल्लाह लोग जानेंगे, इतनी बात मुझे उम्मीद है। अभी अभी यहाँ पानी भरा हुआ था, मैंने कहीं से लागे सड़क बनवाई, अब नाली का विस्तार कर रहे हैं और और बाकी और भी चीज़ें, जैसे कि वो स्कूल की। कितना टाइम हो गया प्रधान जी आपको प्रधान पद पर? 25 मई को मैंने शपथ लिया था। 10 महीने करीब हो गए, लगभग लगभग अंदर 10 महीने। तो 10 महीने में अभी तक आपने क्या क्या विकास करा लिया? विकास का काम स्कूल दोनों मेरे एकदम चमाचम, बाउंड्री बॉल, मिट्टी भराव पूरी तरह, जो एक जमाने से खाई थी उसमें लोग कहते थे कि स्कूल में मिट्टी नहीं भर सकते, हमने भर भी दी और चला भी, स्कूल की बाउंड्री बॉल करा दी, बेहतरीन चल रहा है हमारा काम। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी और जूनियर दोनों ही, और आंगनबाड़ी भी आपके? आंगनबाड़ी हमारे यहाँ नहीं बनी अभी तक। हाँ, हमारे यहाँ पंचायत घर है, पंचायत घर बेहतरीन। आपका तो भी यहाँ सफाई कर्मचारी हैं यहाँ? कितने सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा भैया 8 महीने से, मैं आज भी लेके आया हूँ। एक को सस्पेंड होना है हर कीमत पर, क्योंकि दो कर्मचारी हैं। नहीं, एक एक आता था पहले, दीपक दीपक अपनी छुट्टी करा के चला गया, फिर उसके बाद एक आया यहाँ पर रोहदास नाम का आदमी, वो अभी तक एक दिन आने के बाद फिर आया ही नहीं। नहीं आया तो मैंने उसके खिलाफ लिख दिया, CDO साहब ने उस पर अमल किया है और धन्यवाद CDO साहब का, मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। उसको आज सस्पेंड कर देंगे 100%, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, तो सफाई को लेके तो फिर काफ़ी समस्या होगी यहाँ पर। समस्या है ये तो, बहुत बड़ी समस्या है। सब सफाई तो गांव में है ही नहीं, गांव के खुद ही लोग बेचारे कर लेते हैं जैसे भी होता है, लेकिन नालियों कौन साफ करेगा? मैंने तो ये तो प्रधान जी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो गरीब महिलाएं हैं उनको हेल्प मिलती है, तो अभी तक आप क्या क्या हेल्प पहुंचा चुके हैं? नहीं पहुँचाई सब कुछ भी, सबसे बड़ा स्रोत बन गया उसमें आय का। लेखपाल से कहता हूँ भाई, विधवा भी आय क्या होगी इसकी, तो वो 48,000-50,000 लगा देता है रिपोर्ट, तो उसमें आय बन नहीं, उसकी वो बन नहीं सकती पेंशन। पेंशन 40 के अंदर घुस के बनेगी, वो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है जी। इसको लेके फिर आगे पेंशन नहीं बन पा रही है महिलाएं, ये है विधवाएं हैं। मेरा गांव तो सबसे थर्ड क्लास गांव में से एक है, सबसे गिरी हुई बस्ती है पूरा गांव। मजदूरी सुबह को आती तो आप दिखाता मैं आपको, कम से कम 5 गाड़ी भर के लेबर पर डे जाती है गांव से, सड़कों को सफाई करके जब तारकुल वगैरह डालती है उस काम को करते हैं। मेरे गांव में कोई शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं था अभी तक, कोशिश कर रहा हूँ आने वाले भविष्य में। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बच्चों के, सबके बड़ों के, कि भाई किसी भी तरीके बच्चे पढ़ जाएँ, आगे कुछ अच्छा हो जाए। इस लिहाज से मेरा अपना एक ध्येय है, अपना एक मैंने मन बना रखा है, कोई कितने भी गालियाँ दे, कुछ भी करे, लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसको करके रहूँगा। बिल्कुल प्रधान जी, तो जैसे प्रधान जी ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में कितने रूम बने हुए हैं और कैसी है स्थिति? मेरे स्कूल में करीब 5-6 रूम तो मेरे बने हुए हैं, प्राइमरी में 6-7, और बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं मेरे काफ़ी बड़े बड़े, उसमें क्या नाम है जूनियर में दोनों, एक कंपाउंड स्कूल है, थोड़े कोई फायदा नहीं है, दोनों की एक ही बाउंड्री कर रखी है, बेहतरीन मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और बाकी मेरे गाँव से आगे लोग बताएंगे जो व्यवस्था हो सके। कितने बच्चों की संख्या कितनी होगी वहाँ प्राइमरी स्कूल? 278 बच्चे हैं मेरे यहाँ, और कोशिश करूंगा अप्रैल में करीब करीब उनको 300-400 करीब ले जाऊँ। बिल्कुल, मेरी मेहनत। तो प्रधान जी, जैसे बच्चों का जो मिड डे मील खाना मिलता है कैसा मिलता है? ठीक दे रहे हैं साहब, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा, और हम तो प्रधान है तो हम दे रहे हैं खाना, तो इसलिए अच्छा बताएंगे, ये तो बच्चे बताएंगे आपको, कभी भविष्य में आगे स्कूल में खुद ही पूछ लीजिए। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा है प्रधान जी, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि प्रधान पद पर हैं आप, तो प्रधान जी ज्यादातर स्कूलों पे विजिट कर लेते हैं, आप भी जाते होंगे स्कूलों में देखने, पर डे तो काम ही यही है बच्चों को देखना। जी, 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 और मेरे बच्चे तो कितने दिन बाद विजिट करते हैं आप स्कूल में? रोज डेली पास में ही है प्राइमरी स्कूल, ये बराबर में ही है मेरे घर के बराबर में। तो प्रधान जी, जैसे आप विजिट करते हैं तो कभी आपने क्लास में बच्चों से जाकर पूछा कौन सी क्लास का बच्चा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं भाई, आप मेहनत कर रहे हैं मेरे यहाँ के स्कूल, मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई दोरा नहीं। मील में क्या क्या मिलता है खाने में? मील में मेरे यहाँ सोमवार को खाना और सब्जी है, रोटी सब्जी और केले, सुबह को फ्रूट्स, और कल बुध है, बुध में दूध मिलेगा बच्चों को,
और तहारी होगी चावल वाली। तो जैसे ये दूध जो जाता है गांव से ही जाता है, गांव से लेता हूँ दूध, दूध वाले से मैं देता हूँ, आप लेते हैं प्रधान जी? मैं खुद ही लेके दे देता हूँ, क्या हुआ। अच्छा, तो जो कितना बता रहे थे, 200 कुछ बच्चे बता दो रहे सौ थे आप, अठहत्तर बच्चे 278 लगभग, बच्चों में कितना दूध जाता है? करीब करीब अब तो फिलहाल ऐसा दे रहा था मैं 12 किलो 15 किलो दूध। 15 किलो दूध। अब पेपर चल रहे हैं, अब देखता हूँ कितने बच्चे आएंगे, जिस बच्चों के ऊपर निर्भर करती है सब पेपर बात। कहाँ से चल रहा है, क्या दिन से चल कुछ रहा है? और कहना चाहेंगे प्रधान जी गांव के विकास को लेके, जो आप गांव चैनल के के विकास माध्यम से का रखना यहाँ चाहते से हैं? पल्ली तरफ जाएंगे तो सब कोई विकास नहीं है उधर को, उधर को विकास के लिए मेरा संघर्ष जारी है। अभी मैं जिला पंचायत से गया हूँ आज, उनसे हाथ जोड़ के आया हूँ बहन जी से। मैं मेरी बहन ने कहा है कि मैं आपके तुम्हारे 650 मीटर रख दूंगी। आगे जी ब्लॉक प्रमुख साहब से मिला तो उन्होंने कहा चलो भाई अगली बार योजना में तुम्हारे रखेंगे कुछ ना कुछ। अब तक काफी काम कर चुका हूँ, दो जी माजरे जी और भी हैं बिल्कुल, मेरे पास, जो हमें नजर आ छोटे रहा है वो छोटे काम आपने है। आके देख रहे हैं, बाकी हाँ आप विकास करा रहे हैं, छोटे कार्य छोटे करा काम रहे हैं। है उनको मैं अपने, अभी 40% माननीय डीएम साहब ने आदेश कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम उनको। वो हमको देंगे तो 150 मीटर और बना देंगे कहीं ना कहीं सीसी। हम तो काम के लिए जाने जाएंगे इस गांव में, हमने काम किया है काम करते रहेंगे, ये हमारा शौक है, इसी पे हम निर्भर हैं। बिल्कुल। तो प्रधान जी जैसे कुल जनसंख्या कितनी होगी इस गांव की? जनसंख्या को और जाओगे तो करीब करीब हमारे हमारे एक गांव, गांव की अगर तीनों गांव को लगाता हूँ तो करीब 15-12 हज़ार के करीब बनेगी। 12,000, तो बड़ी पंचायत है आपकी तो। हाँ और वोटर लिस्ट जाओगे तो करीब 2200 के करीब बनेगी, 2200। 22 में 5 गुणा करिए 5-6 हज़ार तो वैसे ही हो जाते हैं। आप करके देख लीजिए उसमें क्या था। हाँ हाँ नहीं वो बच्चे बच्चे, मैं समझ अबे रही हूँ मुस्लिम आपकी गांव है, बात। आप समझदार हैं, मुस्लिम गांव में बच्चे तो खूब होते हैं, अल्लाह करम। इसमें कोई दो राय थोड़ा, इसमें क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल। हा? तो प्रधान जी जैसे मनरेगा के माध्यम से भी आपने कुछ बहुत कुछ कार्य किया है कराए गांव में, होंगे, तो बहुत क्या कराया क्या है गांव कराया? में। देखिए तालाब खुदवा दिया अपने गांव में मैंने, जो चकरोट हैं वो डलवा रहा हूँ, जी। और भविष्य में और आगे जरूरत और पड़ो डलवाएंगे। कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं और कितने जॉब कार्ड बने हुए हैं? जॉब कार्ड मेरे 337 बने हुए हैं, 337। जिसपे करीब करीब आधे बहुत पुराने बने हुए हैं। अब दूसरा को सर्वे कराऊंगा तो केवल 150 कार्ड चलेंगे बस, 150 कार्ड। लगभग 150। तो उनकी पे जो होती है क्या होती है? नहीं पे नहीं, ऐसा होता है जैसे मर गया आदमी वो भी जॉब कार्ड में है, जब नंबर तो आ गया उसका सीरियल में, वो कट के फिर 150 रह जाएंगे, जहाँ तक 150-500। 150 रह जाएंगे। तो कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद, हम तो सरकार से यही कहेंगे कि गांव के विकास के लिए जितने ज़्यादा ज़्यादा दे। हमारे गांव के सर्वे के हिसाब से हमारे गांव में एक तो मकान नहीं, 3 मकान पिछली योजना में बने, आपको मैं आज भी लिख के आया हूँ आपको, फिर सर्वे। अब आप चले मेरे साथ तो मैं दिखा दूँ आपको क्या दिशा है, ये बिल्कुल मकान बिल्कुल बनने लायक है कि नहीं, इसमें जिसमें आप बैठिए बताइए, बिल्कुल बनने बिल्कुल लायक है ना जी, बिल्कुल इसको। बनने अब लायक हम सेक्रेटरी साहब से कहते हैं बोले पक्का बनना है, क्या पक्का है बोलिए, पूरा फटा हुआ मकान खड़ा है ये, बिल्कुल क्या पक्का बिल्कुल। है बताइए। आपके सामने यही दिशा पूरे गांव की है मेरे की, तो उसमें क्या कर सकता हूँ बताइए। जी मेरा काम लिखने देखो, का है, आपकी जो जिम्मेदारी है, जितना आपको अपनी पैसा जिम्मेदारी मिलेगा उसके ज्यादा हिसाब से आप ज्यादा विकास मेरा करेंगे। मेरा अनुभव यही है कि मैं हर के लड़के लाऊं, खुशामद करूं, पैर पकड़ूं अधिकारियों के, और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता तो उसके पैर पर हाथ जोड़, हाथ तो जोड़ ही सकता हूँ, इस लिहाज से देंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मुझे काम मिलेगा बराबर। थैंक यू प्रधान जी। जैसे कि हमने प्रधान जी से बात की गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर, उनसे जुड़े समाधान को लेकर, तो प्रधान जी हमारे साथ बने रहे, वाग हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, और थोड़ी सी जो इनकी समस्याएं हैं, इनका जो विकास है उसमें सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरीके से देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क, कैमरामैन जसबीर सिंह। 8 महीने जबकि ये हालत है, ये सब आगे तक भी हालत देखिए सब मेरी डाली होगी, और अभी दिखाऊंगा, अभी आगे आइए। लोग कहते हैं कि यहाँ साहब की महान देन हुई है कि मस्जिद तक उन्होंने 220 मीटर मुझे दे दी है, बहुत बहुत उनका आभारी रहूंगा मैं जीवन में। फुल बन रही है, नाली है ये, नाली को कह देगा नाली, बताइए थोड़े से लंबे हाथ को बंद। प्रधान जी कैमरा की तरफ देख के बोलिए, ये देखिए पूरा गांव, ये दिखाई दे रहा गांव आपको, देख रहे हैं गांव की दिशा है मेरे की। किधर आ जाओ,
इसके लिए मैंने डिमांड रखी है, मैंने इसके लिए मांग करी है। अच्छा, तो इसका मतलब मांग करी है तो हो गया। मैंने शायद कुछ दिए, पास हो गई है अभी देखिए कैसे कह रहा हूँ। मैंने तो आपने मेरे कहीं भी खोल के देख लीजिए, 27 सीसी लगी हुई है। गाँव में सीसी हुई नहीं, पल्ले मोहल्ले में होगी जो कुछ होगी। तो मजबूरी थी मेरी तरह ना, इस तरीके से ये भी अगर 650 बन जाएगी तो मैं लिंक गलियों को जोड़ूंगा भी, कैसे जोड़ू, किससे भीख मांगू, कुछ भी करूँ, आदमी जोड़ूंगा किसी की। और लिंक गली अगर अभी 5 साल पड़े हैं प्रधान जी, ऐसी बातें ना करिए। नहीं नहीं कुछ काम करेंगे तो विकास तो हो जाएगा, हमें विकास के नाम से जानेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बस बंद कर दो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।